किया जाए, आप सब भी उसको ध्यान दीजिएगा कि आप ये देखिएगा कि हम क्या करते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हर मंत्र के बाद हम स्वाहा बोलते हैं और स्वाहा बोल करके अपनी आहुति को अर्पण कर देते हैं और अर्पण करके क्या कहते हैं कि इदम नमः, यह मेरा नहीं है। लेकिन कभी हमने विचार किया कि वास्तव में ये जो एक विद्यार्थ है स्वाहा का या इदम नमः का, इसका हमने गहराई से चिंतन किया, गहराई से कभी उसका आचरण करने का प्रयास किया तो मुझे थोड़ा सा समाधान मिला, वो आपके सामने बता रहा हूं। मुझे एक बहुत सुंदर मस्तिष्क में बात आई इसी स्वाध्याय के द्वारा कि आप देखिएगा दो तीन बातें बड़ी सुंदर है। मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको स्वाहा और इदम नमः की बात करना चाहूंगा, हो सकता है कि सैद्धांतिक शास्त्रीय ना हो लेकिन अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आप एक छोटी सी बात देखिएगा कि मान लीजिए हमें कोई वृक्ष लगाना है या कोई पौधा लगाना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका बीज ढूंढते हैं और बीज लेकर के उसके पूर्व क्या करते हैं कि जिस भूमि पर लगाना है उस भूमि को बड़ा अच्छे से तैयार करते हैं, खोदते हैं, उसके अंदर कोई अगर कंकड़ पत्थर कुछ है तो उसको निकाल करके बाहर करते हैं, निकाल करके बाहर करने के बाद उसमें बढ़िया खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। जब हमें लगता है कि वास्तव में अब ये भूमि तैयार हो गई है तब आप उसमें बीज डाल देते हैं और फिर आप देखिएगा जब बीज आप डाल देते हैं तो क्या कोई व्यक्ति दावे से ये कह सकता है कि जो हमने बीज डाला है ये वृक्ष बनेगा? आशा जरूर रहती कि सुंदर वृक्ष बनेगा, ये प्राण बढ़िया निकलेगा, लेकिन जब तक वो उसका रूप प्रकट नहीं होता, अंकुरण नहीं हो जाता तब तक हमें नहीं पता होता कि ये वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। अब थोड़ी सी बात मैं आपको केवल इदम नमः के बारे में कहना चाहूंगा और स्वाहा के बारे में इसी बीच से जोड़िएगा। देखिए माता सज्जनो, हमारा जीवन भी तब तक कोई सही स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक हम अपने आप को बीज समझ करके उस प्रभु के चरणों में अर्पण नहीं कर रहे। जब हम अर्पण कर देंगे और अर्पण कैसा करेंगे ध्यान दीजिएगा, अर्पण इस रूप में करेंगे कि जब हमने अर्पण कर दिया, जैसे बीज को आपने डाल दिया, अब आप बताइए क्या बीज अपनी इच्छा से कुछ बन सकता है? विचार करिएगा दोनों तीनों बातों को जो जो बोल रहा हूं। आप देखेंगे कि बीज अपनी इच्छा से कुछ नहीं बन सकता, वो वहां की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आसपास का उसको वातावरण कैसा मिला, कैसा उसको आगे खाद पानी वातावरण प्रकृति मिला, ठीक उसी प्रकार से उसका अंकुरण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वाहा बोलते हैं, हमने अपने आप को सुंदर कहा और अर्पण कर दिया और ये भी कह दिया कि प्रभु ये मेरा नहीं है, जिस दिन ये भाव जीवन में आ जाएगा कि हमने अपने आप को कुछ नहीं समझा, हमने अपने आप को केवल अर्पण करना सीखा और अर्पण कैसा कर दिया कि अब प्रभु आप जानिए, आपका काम जाने, निर्माण करना आपका काम है, निर्माण करना मेरा कार्य बोलिए नहीं है, तो कहते जीवन जीने की कला यज्ञ से प्रारंभ होगी। इसीलिए आप देखिएगा कि ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने एक बात का बड़ा जोर दिया कि कुछ भी हो जाए आप यज्ञों की परंपरा को कभी मत छोड़िए और उस यज्ञों की परंपरा का गहराई से यदि विश्लेषण करेंगे तो अर्पण जिसके अंदर जग जाएगा, जिसके अंदर समर्पण जग जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो सारी चिंताओं से मुक्त हो गया और जिसके अंदर समर्पण नहीं जगा, जो अर्पण नहीं कर पाया, वो सभी प्रकार से ज्ञान से युक्त होगा, संपूर्ण प्रकार के शास्त्रों से युक्त होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि वास्तव में उसको उस परमपिता परमात्मा पर अभी पूर्ण रूप में विश्वास नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, आज मैं इस श्लोक को कहने से पूर्व लोग एक प्रश्न बड़ा करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कहते कि हम तो अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों होते हैं? जो मैंने चिंतन किया वो इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों से बात होती है, कहते देखिए प्रभु जी, हम तो प्रतिदिन यज्ञ भी करते हैं, प्रतिदिन लोगों की सेवा भी करते हैं,
संपूर्ण रूप से किसी को अपशब्द भी नहीं कहते हैं, किसी के प्रति गलत भी नहीं सोचते हैं। उसके बाद देखते हैं जो बुरा करता है उसको तो कोई कष्ट नहीं है, और जो हम अच्छे लोग हैं वो हमें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं। ये कॉमन सा प्रश्न है सबके मन में, तो उसका उत्तर जो मेरी समझ में आया अगर उचित लगे तो ग्रहण कर लेना, ना लगे तो मुझे ही वापस कर देना। आप एक बात देखिएगा, जैसे आपने बीज बोया, बीज तो आपने गेहूं में डाला, बीज तो आपने चने का डाला, लेकिन आपने खरपतवार का तो नहीं डाला। लेकिन विचार कीजिएगा कि जब गेहूं लगा तो उसके साथ क्या होता है, खरपतवार आप देखते हैं जरूर होती है। खरपतवार आप समझते हैं जो ऐसी घास होती है जो उसको आच्छादित कर दे, उसको उगने ना दे। इस प्रकार की चीजें जो आपने सुंदर बीज लगाया उसके साथ जरूर होती है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उस पूरे खेत में चयन करते हैं कि खरपतवार कौन सी है, उसको अपने परिश्रम से निकाल देते हैं। और निकाल करते एक बार नहीं निकालते, आप उसको हर 15-20 दिन बाद वाच करते हैं कि कहीं दोबारा नहीं हो गई, फिर हो गई, फिर भी निकालते हैं और निकाल करके पूरे खेत को बढ़िया अच्छा बना देते हैं। तब आप निश्चिंत होते हैं जब आपकी फसल पूरी बड़ी हो जाती है कि अब वास्तव में अब खरपतवार नहीं है, अब इस फसल का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तब आप निश्चिंतता से रहते हैं। माता सोचो जो ये हमारे जीवन में हर्डल्स आती है, जो हमारे जीवन में समस्याएं आती है, ध्यान दीजिएगा वो समस्याएं किसी के द्वारा दी हुई नहीं है, वो समस्याएं उस खरपतवार की तरह हैं। वो परमपिता परमात्मा हमारे परिश्रम की परीक्षा लेना चाहता है कि वास्तव में हम कितने उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, अपना मेहनत के द्वारा इन समस्याओं से जूझने के लिए। अगर प्रतिबद्ध हैं, अगर मेहनती हैं, तो आप देखिएगा कि वो परमात्मा भी आपकी स्वयं मदद करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपका जीवन हर प्रकार के कामों से रहित हो जाता है। कहते ये जीवन जीने की कला है, तो थोड़ा सा मैंने आज इस श्लोक के साथ आपको कहना चाहा। अब श्लोक क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। कहते हैं हम अपने जीवन में स्वयं हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। होता क्या है, हमारी कल्पनाएं क्या होती हैं, मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई हमने जीवन में जो तरक्की प्राप्त की गई, कला है मान लीजिए आपके पास, आप बहुत विद्वान हैं, आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जिस भी क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, आपके पास बड़ा काम है, आपके पास उस बात की बड़ी सुली हुई टेक्निक है, लेकिन फिर भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो हम क्या सोचते हैं। मैं आप हम सब की एक कॉमन सोच है कि हमें कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी मदद करके और हमें एकदम ऊपर ले जाएगा, और वो समय आएगा तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। या मान लीजिए हम बड़ी सफलता की ऊंचाइयों पर हैं और किसी के कारण हमने क्या किया, किसी कारणवश हम उस सफलता से नीचे गिर गए, तो हम दोनों ही बातों में क्या सोचते हैं कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई ऐसा व्यक्ति मिले उस फील्ड का जो हमें मार्गदर्शन कर दे, जो हमें आगे ले जाए, और अगर हम असफल हो गए तो हम क्या सोचते हैं इस व्यक्ति के कारण असफल हुए, या पुराने व्यक्ति ने हमें परेशान किया इस कारण हम असफल हो गए। बाबा सोचनो गीता में ये बहुत सुंदर स्पष्ट कहा गया है कि सुखस्य दुखस्य न कोपिदाता, इस संसार के अंदर किसी के सुखों का किसी के दुखों का निर्माण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं अपने सुखों के अपने दुखों के निर्माण करने वाले हैं। हम चाहे जीवन में सुख प्राप्त करते हैं वो अपने कारण प्राप्त करते हैं, और चाहे दुख प्राप्त करते हैं वो अपने कारण प्राप्त करते हैं। आप बुजुर्ग लोगों को लेकर के मैंने बहुत सुंदर पीछे कहानी पढ़ी, आपको पसंद आएगी। मैंने क्या पढ़ा कि उसमें कहते सुकरात ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप एक बात बताइए, अपना समय कैसे पास करते हैं, आपके जीवन में लगता है कि बड़ी प्रसन्नता है, सुबह सुबह आप डेली मिलते घूमते हुए ऐसा लगता है आपसे मिलकर कि भगवान से मिलिए। तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा कि जरा आइए बैठते मैं आपको बताता हूँ सुखी कैसे रहते। उन्होंने पूछा बताइए, मैं तो जानना ही चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखो जी, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं बुजुर्ग हो गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा मेरे बच्चे मेरे बहू मेरे नाती पोते सब बड़े हो, और मैं जो छोटा सा मेरा व्यापार था उस व्यापार को मैंने अपने बेटे को और बहू को संभाल लिया,
अपना व्यापार तैयार किया। अगर आपको कभी लगता है कि बेटे बहु कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपके परिश्रम को व्यर्थ कर रहे हैं, तो भी आप कुछ नहीं कहते, कहते नहीं मैं कुछ नहीं कहता। बोले मन में भी भाव नहीं लाते, बोले मन में भी भाव नहीं लाते, तो बोले फिर क्या करते हैं? कहते हैं हाँ ऐसा होता है कि कई बार मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, जब वो किसी चीज में परेशान होते हैं तो आकर के मुझे कहेंगे कि पिताजी अब मुझे ये समस्याएं आ रही हैं। तो कहते मैं क्या करता हूँ, कहने लगे मैं ये करता हूँ कि उन बच्चों को केवल ये बताता हूँ अपने बेटे बहू को कि भाई देखो ये इसके प्लस है, ये इसके माइनस है, तुम्हें अगर कोई चीज अच्छी लगती है उसको ग्रहण कर लेना, ना लगे तो उसको मत सुनना। तो कहते उसके बाद मैं ये अपेक्षा भी नहीं रखता कि मैंने जो उनको सलाह दी है उस सलाह का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। और कहते मैं अपना अपने पोतों के साथ पोतियों के साथ जो मेरी ड्यूटी होती है इनको अच्छे संस्कार देना, इनको अच्छा परिवेश देना, मैं अपना स्वयं का स्वाध्याय करता हूँ। और जब मौका मिलता है तो इन्हीं इनको जबरदस्ती पकड़ती इन बच्चों के साथ, जब मुझे अच्छा लगता है कि ये बच्चे प्रसन्न है, ये मेरी कुछ सुनना चाहते, तो मैं इनको बिठाता हूँ, बिठा करके फिर इनको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सुना देता हूँ, तो इनके भी संस्कार बन रहे हैं। और कहते हैं बड़ा आनंद है जीवन में, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ कि मैं किसी के काम में कोई हस्तक्षेप की अभिलाषा नहीं रखता हूँ, मैंने अपने आप को साथ रखते हुए इससे अपने आप को अलग कर लिया है। माता सोच लो यही चीज जीवन में है। गीता ये कहती है कि जीवन में आपके ऊपर निर्णय है कि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं या दुख प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए भाष्यकार ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, उन्होंने पांडवों का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखिए पांडवों को जब दुख प्राप्त करना था तो उन्होंने जुआ खेला, जब दुख प्राप्त करना था तो जुआ खेला, और जुए में अगर वो किसी भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमें मुक्तिता से हराया तो कहते हैं वो गलत है, वो खुद हारे। और कहते वही पांडवों ने जब सुख प्राप्त करना चाहा तो अपने आप को संगठित किया और संगठित करके युद्ध लड़ा और फिर अपने राज्य को जीत लिया और सुख प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर चीज है, कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया कहते वही जीवन में अपना उद्धार कर सकता है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता कहते कि वो निश्चित रूप से हमेशा परेशानी में पड़ा रहेगा। कहते कोई भी हम इस संसार के अंदर कोई किसी का शत्रु या मित्र ये सब मान के मत चलिए अपने आप में। और मैं इसका एक और जगह बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था, वहां पर एक सफलता के लिए बहुत सुंदर चीज लिखी, वहां लिखा था कि जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो कहते हैं सोच लीजिए वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा जीवन का सुधार कर लेता है। और जो व्यक्ति स्वयं ने कभी मानता ही नहीं कि मैं जिम्मेदार हूं, मान लीजिए कहीं पर अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरा स्वाध्याय जिम्मेदार, पुस्तकें जिम्मेदार नहीं हो सकती है, उसके लिए मैं स्वयं भी जिम्मेदार हो सकता हूं। अगर मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा तो निश्चित रूप से जब आपके सामने अगली बार आऊंगा तो वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। हमारी आपकी क्या आदत है, गीता ये कहती है, कहती है कि हम क्या करते हैं कि हम वास्तव में अपनी जितनी भी चीजें होती हैं वो दूसरों पे डालने का प्रयास करते हैं कि भाई इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं सुखी हूँ। कहते हैं आप जब इस भावना को अपने मन से हटा देंगे तो कहते हैं आप अपनी आत्मा से कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्यों प्रसन्न रहेंगे? क्योंकि आपको अपने कारणों का पता चलेगा कि सुख के कारण कौन से हैं और दुख के कारण कौन से हैं। इसलिए गीता का एक पहला श्लोक ये था। अगली चर्चा आती है बहुत सुंदर, अगली चर्चा आती है चित्तात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष सुख दुखे सु तथा मान मानयो। अब इसके लिए भी ये छठा अध्याय है, लेकिन जो मेरा इस समय स्वाध्याय चल रहा है वो लगभग 10वें अध्याय तक चल रहा है। जब मैं आज इस श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहा था तो कुछ दिनों से मैं एक चिंतन और कर रहा था, वो चिंतन भी आपको देना चाहूंगा, आपको आनंद आए। वो चिंतन क्या है, जैसे बहुत सुंदर चर्चा है, जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो दोनों श्लोकों को आप समझ वो चिंतन ये कहता है, कहते हैं कि वास्तव में इस संसार के अंदर अगर कहते हैं कुछ है, कोई है तो वो परम पिता परमात्मा है। किस रूप में मेरा माता जी ने जैसे अभी भूमिका में कहा कि वो परमात्मा, तो
बात को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहूंगा गीता के श्लोक के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 या 20 दिनों से मैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है लेकर के अपनी तैयारी को उसको पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। मुझे इसलिए एक शब्द का चिंतन ऐसा लगा कि जैसे स्वामी जयंती ने आयुष्मान का दूसरा नियम लिख दिया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अरेपा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अरे अमर अवैध के पवित्र सृष्टि करता है। मैं आपको केवल यहाँ से और इस नियम को इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी समृद्ध विरासत है ज्ञान कि यदि हम एक एक शब्द का प्रतिदिन चिंतन करें तो मैं एक बात आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा, आयु को छोटा जरूर हूं, कि आपको जीवन में कभी निराश नहीं हो सकती। आप जीवन में कभी निराश नहीं हो सकते। केवल जब आप जीवन में निराश होने लगे तो एक छोटा सा काम कर लिया करिए कि प्रभु के किन्हीं भी गुणों का आप चिंतन कर लिया करो, किन्हीं भी गुणों का, चाहे वो सच्चित आनंद स्वरूप है, चाहे वो सर्वव्यापक है, चाहे वो सर्वांग, कोई भी शब्द एक मन में डाल दीजिए। जब जब आपको निराशा हाथ लगे, जब जब जीवन में ठोकर हाथ लगे आपको, तब तब एक एक शब्द का आप थोड़ी देर चिंतन कर ले, आप उस समस्या से उस निराशा से बाहर आ जाएंगे। अब ये जो श्लोक है अगला जो मैंने आपको बोला गीता में ये क्या कहता है, कहते जिसने अपने आप को जीत लिया उसने पूर्ण शांति पाई। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने जीवन में पूर्ण शांति पाई, कहते उसी की आत्मा महान होती है। और कहते वह श्री कृष्ण सुख दुख तथा मान अपमान के विषय में सब मुक्ति रखता है। अब मेरे मन में प्रश्न ये आया कि वास्तव में कौन अपने आप को जीत सकता है। जैसे पिछला इसको कह रहा था कि अपने आत्मा का स्वयं उद्धार करने वाले और स्वयं इसका पतन करने वाले, तो मुझे ये श्लोक बहुत सुंदर लगा। ये आगे जाकर के कहते कि वही व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है, कहते जो अपने आप में उस परम पिता परमात्मा की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखता है। जिसने उस प्रभु की सत्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं रखा वो कभी भी अपने आप को जीत नहीं सकता है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, महाभारत में पढ़ता था, आजकल ही स्वाध्याय कर पा रहा हूं उसका। कहते एक सैनिक ने क्या किया कि उसने संपूर्ण दुनिया को जीत लिया। संपूर्ण दुनिया को किसके द्वारा जीता, कहते वो धनुर्धर बहुत बड़ा था, कहते जिधर तीर चला था उधर से तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं पाता। अंत में उसके मन में एक बात आई, कह लगा मैंने सबको तो जीत लिया लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया, अपने मन को नहीं जीत पाया, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया। जो आगे देखना चाहती है वो देखने लगती है, जो कान सुनना चाहते वो सुनने लगते हैं। तो कहते इसके जीतने का उपाय क्या है, कहते क्षत्रिय था, राजकुमार था, वो बुद्धि का उपयोग करना नहीं जानता था। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने मंत्री को ये बात की और मंत्री को ये कहा कि लगता है जैसे मैंने अपने तीरों के द्वारा संपूर्ण क्षत्रियों को जीता है ठीक उसी प्रकार से अपने तीरों के द्वारा मैं सोचता हूँ अपनी आंख को भी जीत लूं। मंत्री डर गया, उसने पूछा आप आंख को कैसे जीतेंगे, कहता मैं सोचता हूँ कि एक तीर की आंख को मारूंगा तो अगली बार जो दूसरी आंख है कुछ गलत भी दे देगी। कहते मंत्री चिंतन में पड़ गया, इस प्रकार से भी अपने आप को नष्ट कर देगा। तो कहते उसने कहा ठीक है राजन, आप मुझे कुछ समय दीजिए मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो कहते ठीक है आपको समय दे दिया लेकिन बोले तब तक आप अपना एक प्रयोग अपने ऊपर मत करना। कहता ठीक है मैं नहीं करूंगा। कहते उसने देखा कि वास्तव में कोई ऋषि रहते थे कहीं आसपास, उनके पास को लेकर के गया। जब ऋषि के पास वो पहुंचे तो ऋषि ने उनको कहा कि देखो राजन, इन इंद्रियों को बलात् नहीं जीत सकते हो, इन इंद्रियों को आप ज्ञान के द्वारा ही जीत सकते हो। जब तक इनके अंदर सही ज्ञान सही प्रशिक्षण नहीं दोगे तब तक आप अपने आप को नहीं जीत पाओगे। माता सुनो यही बात यहाँ पर कही गई है कि वास्तव में हम शांत कब हो सकते हैं, हम अपने आप को जीत कब सकते हैं, जब वास्तव में हम स्वयं अपना प्रशिक्षण स्वयं दें। अभी समस्या क्या है, हम दूसरों को सिखाने लगते हैं। जब हम स्वयं में सीखना शुरू कर देंगे और स्वयं में कब सीखेंगे, इसी चीज को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, स्वयं में तब सीखेंगे जब वास्तव में हमें अपने परम पिता
होगी, ये उस प्रभु की ही कोई लीला होगी, हो सकता है उसकी क्या इच्छा हो। और इस विषय में अगर आपको देखना है तो आप अपने गुरुवर देव दयानंद का कहीं भी उदाहरण ले लीजिएगा, गुरु विद्या जी का ले लीजिएगा, ऋषि दधी जी का ले लीजिएगा, विश्वामित्र का ले लीजिए, वशिष्ठ का ले लीजिए, किसी का भी आप उदाहरण लेंगे तो उन लोगों के जीवन में आपको एक बात मिलेगी कि उन्होंने अंततोगत का अगर किसी को शक्ति माना तो वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा को शक्ति माना और उन्हीं की शक्तियों में सबका विकास माना। इसलिए आइए इस श्लोक आपको देना चाहूंगा, थोड़ा इसका आप चिंतन कीजिएगा, क्या चिंतन है जरा विचार कीजिए। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरे प्रभवर करे स्थानम निधानम दीने वपेय। अब आइए मैं आपको दो तीन शब्दों की चर्चा करूंगा, समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कहते ईश्वर ही शब्द की गति है, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, ईश्वर ही शब्द की गति है, अर्थात सब जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं क्योंकि उससे परे कोई और नहीं है। अब विशेषण क्या दिया गया देखिए, कहते भरता वो परमात्मा जैसा सबका पालन पोषण करता है। आप विचार कर लीजिए, जो यज्ञ करता है या जो यज्ञ को नहीं मानता, जो संध्या करता है या जो संध्या को नहीं मानता, वो परमात्मा सबका भरण पोषण करता है। अब एक बात बताइए, जब हम कभी निराश हो और उस प्रभु से एक बात कहते कि प्रभु आप ही भरता है तो पालन पोषण आप ही करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा आपके अंदर एक ऐसा अद्भुत विचार की शक्ति जगेगी जिसके द्वारा आपका जब विश्वास जग जाएगा तो जो कर्म आप नहीं कर पा रहे होंगे उस कर्म को भी आप बड़े परिश्रम से करके उसकी भरता रूप की शक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं, कहते दूसरा चिंतन आप क्या कीजिए, कहते भरता के बाद उसका यहाँ पर बहुत सुंदर चिंतन आता है, कहते गति भरता प्रभु साक्षी। फिर कहते दूसरा उसका विशेषण क्या है, कहते वो प्रभु है। प्रभु का अर्थ क्या है, कहते वो सबका स्वामी है। जब वो सबका स्वामी है तो क्या हमारा स्वामी नहीं होगा। आप विचार कीजिए, अगर आप किसी के पिता और माता हैं तो आप अपनी पूरी ताकत लगा करके उन बच्चों का पालन पोषण आपने किया है और आगे भी कहीं पर आप देखेंगे कि इनका अहित हो रहा है तो आप फिर पूरी शक्ति लगा करके उस अहित को रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन हम मान लेंगे कि वो जो प्रभु है वो मेरा असल में स्वामी है, मेरा और कोई स्वामी नहीं है। अभी तो देखिए हमारे स्वामी कौन है, हमारे स्वामी हमारे बैंक में बड़े बड़े पैसे हैं, विचार कीजिएगा। अगर नहीं है वो सत्यता है, उस चीज को मैं वो नहीं कर रहा, मेरी भी आवश्यकता वो आपकी भी आवश्यकता है, लेकिन हमें परमात्मा से ज्यादा अभी किस पर विश्वास है। अगर व्यवहारिक बात करें अपने धन पर विश्वास है, परमात्मा से ज्यादा किस पर विश्वास है अपने ज्ञान पर विश्वास है, परमात्मा से ज्यादा किस पर विश्वास है अपने बल पर विश्वास है, लेकिन कहते यही तो हम गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं, अब एक चीज का विचार कीजिएगा, जो सब शक्तियों का स्वामी है, सब धनों का स्वामी है, सभी प्रकार के मालिकों का मालिक है, अगर हमें उसका सहारा मिल जाए तो आप बताइए हमारे जीवन में कभी कोई कमी पड़ेगी। आप विचार करेंगे कि वास्तव में आप पाएंगे कभी आपके मेरे जीवन में कोई कमी नहीं पड़ पाएगी। इसलिए नहीं पड़ पाएगी क्योंकि आप एक चीज पर विचार करना, हमने उस प्रभु का क्या नाम सुना, प्रभु, और प्रभु का अर्थ क्या है, स्वामी। तो फिर एक बात बताइए, अगर आप पिता और माता हैं तो आपके जो गुण हैं आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी वही गुण देते हैं कि नहीं देते हैं, बताइए। अगर आप धनपति हैं तो आप अपने बच्चों को भी धन का मार्ग बताएंगे, अगर आप विद्यापति हैं तो आप अपने बच्चों को भी विद्या का मार्ग बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पिता परम पिता परमात्मा है, अगर वो हम सबका स्वामी है तो हमें भी वो स्वामी बनाएगा, हमें वो मालिक बनाएगा, हमें किसी का नौकर नहीं बनाएगा। बस अगले शब्द से अपनी बात को विराम देता हूं, फिर अगली बार इस चर्चा को करेंगे। कहते साक्षी, वो क्या करता है, वो सबके कर्मों को यथावत देखता है, हम जैसा करते हैं वैसा हमें देखता, उसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं करता, जैसा हमें देखता है वैसा ये वो फलों को दे देता है। तो माताओं सज्जनों ये चीज यहाँ पे अगली बात आती है, कहते जो इस प्रकार की भावना
वही सीट उष्ण में समान रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा, अपनी बात को पूर्णता प्रदान करो कि जो व्यक्ति अपने आप को जिसने जीत लिया, जो प्रभु भक्त हो गया, क्या वो अग्नि को छुएगा तो उसको अग्नि की उष्णता लगेगी या नहीं लगेगी? मन में होगा ना प्रश्न, बिल्कुल लगेगी उसको अग्नि की उष्णता। क्या उसको ठंड नहीं लगेगी? उसको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन मैं एक शब्द से आपको बात कहना चाहूंगा, कहते मौसम तो मन के अंदर होता है। जरा विचार कीजिएगा, मौसम तो मन के अंदर होता है। आपने जैसा सोच लिया, आपने अगर सोच लिया कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा बताइए? आप चाहे एसी में बैठे रहें, आपको गर्मी अधिक लगेगी। अगर आपने सोच लिया आज ठंड बहुत ज्यादा है तो आप बेशक हीटर चलाए बैठे तो भी आपको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। गीता बहुत सुंदर बात कह रहा है, श्री कृष्ण के द्वारा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, शीत भी आएगा, उष्ण भी आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन वास्तव में जो प्रभु भक्त है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, उसको उन चीजों का महसूस नहीं होगा। वो होगी उसको, लेकिन उसके द्वारा वो परेशान नहीं होगा। वहां पर किसी भाष्यकार ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, उसने कहा मान लीजिए आपने अपने आप को जीत लिया, आप कोई काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और उस अच्छे काम के लिए जिस संस्था में रहकर आप काम करते हैं या जिस राजा के अंदर काम करते हैं, आपका वो राजा विरोध करता है कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आपके हमारे सामने एक ही विकल्प कि हम उस अच्छे काम को छोड़ दें। लेकिन कहते जो वास्तव में जो अपने आप में जीता हुआ है, वो उस राजा के द्वारा दिए गए कष्टों को प्राप्त करने के बाद भी अच्छे कामों को करना नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से माता सज्जनों, जब हम अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे, अपने आप में उस प्रभु की भक्ति को मान करके हम स्वामी बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में जैसी भी स्थिति होगी उन स्थितियों में डरेंगे नहीं, उन स्थितियों में घबराएंगे नहीं, वरन उन स्थितियों में भी आशा और विश्वास की किरण लेकर के जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज यही जीवन जीने की कला है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।